आत्मशांति। एक केंद्र में या एक चिंतन में मन को लगा देना और उसमें ही खो जाना, यही ध्यान है। ध्यान अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छे ध्यान को शुभ और बुरे ध्यान को अशुभ ध्यान कहा जाता है। ध्यान अशुभ तब होता है जब मन कषायों के साथ बाहरी जगत में रहता है। बाहर के जगत में हमें दो ही चीजें मिलती है, जड़ और चेतन। उनमें भी कुछ मनोज्ञ, कुछ अमनोज्ञ, कुछ अनुकूल, कुछ प्रतिकूल, कुछ शुभ, कुछ अशुभ, कुछ प्रशस्त, कुछ अप्रशस्त, कुछ अपने लिए हितकारी और कुछ अहितकारी होती है। इन जड़ और चेतन पदार्थों के संबंध में प्रायः दो दृष्टियों से हमारे मन में ध्यान उत्पन्न होता है। जब हम इन चीजों की मनोज्ञता से प्रभावित होते हैं तो उनके साथ ही हमारे मन में आर्त ध्यान के साथ ही रौद्र ध्यान उत्पन्न हो जाता है, जो आर्त ध्यान से भी ज्यादा खतरनाक है। बाहर के चिंतन को छोड़ा भी नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बाहर के चिंतन को छोड़ने का प्रयास करता भी है तो वह जबरदस्ती आपके मन को बांध लेता है और मन को घसीट कर अपनी ओर ले ही जाता है, क्योंकि बाहर के जगत की वस्तुओं ने मनुष्य के मन में यह विश्वास बिठला दिया है कि वे ही उसके सुख और शांति के लिए आवश्यक है। मनुष्य को यदि सुख मिल सकता है तो केवल इन बाह्य पदार्थों से ही मिल सकता है। मनुष्य ने भी यह अटल विश्वास बना लिया कि बाहर के इन पदार्थों में ही सुख है। वास्तव में बाहर कुछ नहीं है। जब मनुष्य के मन में यह विश्वास पैदा होगा कि बाहरी जगत में सुख शांति नहीं है तो ही उसका मन बाहर से हट पाएगा। तब तक मन बाहर से हटता नहीं जब तक यह चिंतन नहीं होता कि बाहर सुख नहीं है, जो कुछ भी है वह अंतर जगत में ही है। शक्ति का केंद्र वस्तुतः बाहर नहीं है। जैसे परमाणु बहुत छोटा होता है, वह अनुरूप है, लेकिन शक्ति का वही केंद्र है। आप जरा अपने शरीर को देखें। यह शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट तथा मोटा ताजा नजर आता है। आपका दिमाग, इंद्रिया सब काम करते हैं, बल्कि आपके शरीर का प्रत्येक अंग काम करता है। यह प्रवृत्ति करने की जो वृत्ति है, आखिर यह कहाँ से पैदा होती है? आपका शरीर तो आपके मन को नहीं चलाता, लेकिन आपका मन ही आपके शरीर व इंद्रियों को चलाता है। यह शरीर तो बहुत बड़ा है, इंद्रिया भी बहुत विशाल है, पर सारे शरीर, इंद्रियों व मस्तिष्क को चलाने वाला एक छोटा सा मन ही है। वह छोटा है किंतु वही शक्ति का केंद्र है। जीवन में हर तत्व का संचालन उसी से होता है। यह अध्यात्मवाद का एक केंद्रीय विचार है। अध्यात्मवादियों ने अपना अध्यात्मवाद यहीं से आरंभ किया है। जब आप स्थूल से सूक्ष्म आत्मा की ओर मुड़ेंगे तब आप शक्ति तथा आनंद के केंद्र में चले जाएंगे। आपका शरीर स्थूल है, जब मन उससे हटता है तभी वह अंदर की ओर जाता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने केंद्र से विचलित न हो। अपने केंद्र से विचलित होने पर वही स्थिति होती है जैसे एक व्यक्ति अपने घर से दूसरे के घर में चला जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ध्यान ही जीने की एकमात्र कला है। जिस व्यक्ति को ध्यान लगाना नहीं आता वह व्यक्ति बाहर के जगत का भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। जब वह बाहर ध्यान लगाता है तभी वह इंद्रियों द्वारा बाहर का आनंद लेता है, और जब उसे आत्मा की जगत का आनंद लेना होता है तो उसे आत्मा में केंद्रित हो जाना पड़ता है। उस स्थिति में शरीर को भुला देना होता है। बातें दो ही है। जब आप भौतिक जगत में जाते हैं तो आप आत्मा को भूल जाते हैं, और जब आत्मा के लोक में स्थित होते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं। तब बाहरी जगत के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों तथा स्थितियों से आप सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। जब आप भोग मार्ग में हैं तो आत्मा का ध्यान नहीं, और जब आत्मा के जगत में है तो शरीर का भान नहीं। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी केंद्र में जाता है तो वह उसी के लिए समर्पित हो जाता है। आपकी शांति का केंद्र आपके भीतर है। जब आप निज स्थान से भटक जाते हैं तो आपकी शांति भी नष्ट हो जाती है। आत्मा का अपने स्वरूप में रहना ही निग्रह है, और यही है संयम, यही सेल्फ कंट्रोल है। इसी को भगवान महावीर स्वामी ने आत्म साधना कहा है। यही विकास का साधन है कि आप विभाव से उठकर अपने स्वभाव में रहते हुए अपने स्वरूप की ओर जाए। घर के आंगन में लैंप का प्रकाश बिखर रहा था, एक बच्चा खेल रहा था। अपनी ही परछाई से कभी वह बालक छाया को हाथ से पकड़ता तो कभी वह बालों से उसे पकड़ने का प्रयत्न करता। माँ बैठी हुई यह सारा तमाशा देख रही थी। बालक के हाथ में वह परछाई नहीं आ रही थी, आ भी नहीं सकती थी। अबोध बालक इस रहस्य को समझता नहीं था, पर माँ इस सत्य को समझती थी कि अपनी परछाई को कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश में था। तब वह माँ बच्चे के पास आकर कहने लगी, क्या कर रहे हो बेटा? वह बोला, माँ वह जो सामने है मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। तो कहाँ से उसे पकड़ना चाहता है? माँ ने पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, मैं उसे बालों से पकड़ना चाहता हूँ।
तब माँ ने उसका हाथ उठाकर उसके बालों पर रख दिया और उसके बाल उसके हाथ में दे दिए। जब उस बालक का हाथ उसके अपने बालों पर गया तो वह बच्चा खुश होकर बोल उठा, माँ मैंने उस काले बालक को बालों से पकड़ लिया है। हाँ, तो बालक के बाल जब पकड़ में आ गए तो उसने अपनी परछाई को भी पकड़ लिया। यदि आप अपने मन को बांध ले तो फिर सारे जगत पर अनुशासन करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। यह एक उदाहरण है समझने के लिए। कुछ व्यवहार की बात कहे तो अधिक उपयुक्त रहेगा। एक सास है, वह अपनी पुत्र वधु को कंट्रोल में रखना चाहती है। कभी पिता भी चाहता है कि उसका बच्चा उसके अनुशासन में रहे, और होना भी चाहिए। जिस घर में अनुशासन नहीं होता उस घर की कभी अभिवृद्धि नहीं होती। हमें भी एक दूसरे पर अनुशासन करना पड़ता है। मर्यादा जीवन का सर्वश्रेष्ठ बल है। मर्यादा और अनुशासन में ही जीवन का विकास होता है। प्यार अलग चीज है किंतु निर्माण अलग वस्तु है। प्रेम व प्यार का विकास मर्यादा व अनुशासन में ही होता है। अगर जीवन में मर्यादा न हो तो हर चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। हर चीज में विकृति आने लगती है। जीवन शुष्क व नीरस बन जाता है। यह मानव स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में शास्ता बनकर रहना चाहता है, लेकिन शास्ता बनने से पहले उसे स्वयं को अनुशासित भी रखना आवश्यक होता है। अगर सास अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकती तो वह बहू पर अनुशासन कभी नहीं कर सकती। उसने बहू के सामने एक अच्छा आदर्श रखना है। बातचीत, वेशभूषा तथा अन्य व्यवहारों को भी उसे आदर्श बनाना होगा। यदि वह अपने मन के विकारों पर विजय पा चुकी है तो वह अपनी पुत्रवधु के सामने ऊंचा आदर्श रख सकेगी। जो बात वह कहेगी उसे उसकी बहू मानेगी। यदि वह स्वयं ही अपने मार्ग से इधर उधर हो रही है तो वह बहू पर भी शासन नहीं कर सकेगी। सारी दुनिया पर व्यक्ति शासन करना चाहता है। यदि वह अपने मन पर शासन कर लेता है तो हर व्यक्ति पर शासन किया जा सकता है। गुरु, नेता, घर व समाज के मुखिया की भी यही स्थिति है। इसे सृष्टि का अटल नियम ही समझिए कि संसार पर अनुशासन करने के पहले अपने ऊपर अनुशासन करने की आवश्यकता रहती है। ध्यान के मार्ग में वही साधक आगे बढ़ सकता है जिसने पहले अपने मन पर नियंत्रण व कंट्रोल कर लिया है। जब तक इस मन पर आर्त और रौद्र ध्यान का अनुशासन रहता है तो इसका प्रवेश धर्म ध्यान में नहीं हो सकता। आप सारी दुनिया पर नियंत्रण करके उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं, सबको अपना अनुचर बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पहले यह तो देख लीजिए कि क्या आपका मन आपका अनुचर बन गया है। जगत इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यह मन है। मन का क्षेत्र जगत से बहुत अधिक विशाल है। मन की कल्पना सारे लोक में चली जाती है। मन सारे ब्रह्मांड में घूमकर फिर आपके पास वापस आ जाता है। ऐसा कौन सा संस्कार है जो बीज रूप में आपके पास नहीं है? आपका बचपन चला गया लेकिन बचपन की यादें नहीं गई। बचपन की स्मृतियां अब भी बनी हुई है। कैसे आप पतंग उड़ाते थे, कैसे आप घर में उधम मचाते थे। केवल यही बात बचपन तो किसी के भी जीवन में होता है। अगर वह भी अपने बचपन की पुस्तक खोलकर रख दे तो उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की स्मृतियां झलकने लगती है। साधु के लिए भी बचपन तो होता ही है। बचपन तो चला गया किंतु स्मृतियां नहीं गई। जानना यह है कि वह कौन सी शक्ति है जो आज तक उन स्मृतियों को संभाले बैठी है। शास्त्रों में यह बातें, किसी ने कोई प्रसंग सुना या कोई दृश्य देखा तो सुनने व देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि पूर्व जन्म में भी मैंने इस तरह के प्रसंग सुने व देखे हैं। इसे शास्त्रकार जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल बचपन की स्मृतियां ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म की स्मृतियां भी आपके चित्त में सतत बनी रहती है। अपनी जवानी में मनुष्य जो कुछ करता है, बूढ़ा होने पर जवानी के सारे भोग विलास तथा जीवन की सारी चेष्टाएं उसके मानस पटल पर फिल्म की तरह चलती रहती है। एक बात और भी स्पष्ट कर दे कि जब आदमी मर जाता है और परलोक में चला जाता है तब वह अपना स्थूल शरीर तो यहीं छोड़ जाता है, केवल अपने साथ लेकर जाता है कारमन और तेजस शरीर। जीव के कृत कर्मों का स्थान बदल जाता है, जीव का शरीर भी बदल जाता है और जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाती है, लेकिन उन परिस्थितियों और स्थानों के संपर्क में रहने के बाद व्यक्ति की सूक्ष्म मनोवृत्तियों के जो सूक्ष्म संस्कार है वह कारमन शरीर में विद्यमान रहते हैं। शरीर तो अग्नि में जल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ ने यह काम किया, मेरी जबान ने यह वचन बोला, मेरी आंख ने यह देखा वह देखा, मेरे कान ने यह सुना और वह सुना, मैं इन टांगों से चलकर अमुक स्थान पर पहुंचा और मैंने इस शरीर से अच्छा और बुरा अमुक प्रकार का कर्म किया। लेकिन यदि शरीर तथा इंद्रियां ही कर्म करने वाले हो तो आपको कर्म का कोई फल मिलेगा ही नहीं। यदि शरीर संस्कार ग्रहण करता हो तो वह शरीर तो चिता में जल जाता है। ऐसी दशा में तो कोई संस्कार जन्य स्मृति नहीं रहनी चाहिए।
तो अगर व्यक्ति के जीवन में कोई नित्य शाश्वत तत्व संस्कार को ग्रहण करने वाला न हो और मरने के बाद परलोक तक जाने वाला कोई भी तत्व न हो और यह शरीर ही यदि सब कुछ हो और संस्कार अगर स्थूल शरीर में ही रहे हो तो फिर चिता में जलने के बाद जैसे ही शरीर जलेगा वैसे ही आपके कर्म और कर्म की स्मृतियां भी चिता में जल जाएगी। फिर तो आपको परलोक में कर्मों का फल भोगने का भय नहीं हो सकता। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपके शरीर में स्थूल तत्वों का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व सूक्ष्म तत्व का है। यह सूक्ष्म ही साधक के ध्यान को सुधारता और बिगाड़ता है। स्थूल शरीर तो सूक्ष्म मन का गुलाम है। यह मन शरीर को जहाँ लगाना चाहता है वह वहीं लग जाता है। अभी अगर आपके मन में कहा वहाँ चलो प्रवचन सुनेंगे, वहाँ दो घड़ी बैठेंगे, अच्छी बातें कानों में पड़ेगी, दो सुख दुख की बातें अपने भाई बंधुओं से करेंगे, यद्यपि आपका लौकिक सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन ही आपको प्रवचन में लेकर आता है, किंतु शरीर को लेकर कौन आया? वह एक सूक्ष्म मन ही है जो आपको यहाँ लेकर आया। और आप देखिए कि कभी आप बिल्कुल एकाग्र है, आपके विचार आपस में मिले हुए है, मन मिला हुआ है और चिंतन भी मिला हुआ है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, आप दत्त चित्त बैठे हुए, बैठे बैठे मन में ख्याल पैदा हो गया कि ओ मैं तो अमुक काम छोड़कर प्रवचन में चला आया, घर पर अमुक मेहमान को आना था वह आ गया होगा, अमुक व्यक्ति से मुझे मिलना था, या कोई और बात आपके दिमाग में आ जाए, आपको कोई और बात समझ में ना आए, आप झट उखड़ने लगेंगे, मन विचलित हो जाएगा, शरीर से यह पता लग जाएगा कि मन डावाडोल हो रहा है। जब उधर का कोई संस्कार प्रबल हो जाएगा तो आपको फौरन प्रवचन से उठकर आप चले जाएंगे। प्रवचन में लाने वाला मन है और शरीर को प्रवचन से उठाने वाला भी मन ही है। आपके मन में एक न एक चिंतन सदैव बना रहता है। आपके संस्कार आपके चित्त में बराबर बने रहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार भी आप चित्त के साथ लेकर आए हैं और मन के द्वारा आप चित्त के संस्कार ही लेकर के जाएंगे इस दुनिया से। बस आपके स्थूल शरीर में सूक्ष्म तत्व मन का ही अधिक महत्व है। ध्यान शरीर की क्रिया नहीं, ध्यान आंख का विषय भी नहीं। शरीर और आंख तो माध्यम है, इनके पीछे जो मन है वही ध्यान लगाता है, क्योंकि वृत्तियों का संबंध उसी के साथ है और वृत्तियां प्रत्येक वस्तु के साथ जुड़कर एक तार हो जाती है और मन शरीर व इंद्रियों को बांध लेती है। इस मन को बाहर के जगत से अंदर की ओर ले जाना है, जैसे कि उस बहन के बच्चे के बालों को पकड़कर उसके हाथ में उसके अपने बाल दे दिए। जब उसने स्वयं को पकड़ा तो वह कहने लगा कि मैंने छायाकृति वाले बालों को पकड़ लिया है। बस यही भूल है। जितने महान पुरुष है वे किसी को कुछ नहीं कहते, वे जो कुछ समझ जाते हैं अपने आप को ही समझाते हैं, अपने मन को ही समझा कर वश में करते हैं। बाहर के जगत में जहाँ इष्ट है वहाँ से भी आर्त ध्यान पैदा हो जाता है और जहाँ अनिष्ट है वहाँ से भी आर्त ध्यान उत्पन्न हो जाया करता है। जहाँ भोग है वहाँ भी आर्त ध्यान हो जाता है और जहाँ रोग है वहाँ भी आर्त ध्यान का जन्म हो सकता है। और यह शोक अक्रंदन विलाप और अश्रुपात के द्वारा व्यक्त होता है। जहाँ ये चार लक्षण पाए जाते हैं वहाँ आर्त ध्यान रहता है और वहाँ धर्म ध्यान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इससे भी बुरा एक और ध्यान है, कभी कभी श्रावकों में भी वह देखा जा सकता है, अज्ञानी और मिथ्यात्वी, इन दोनों में तो रौद्र ध्यान बहुत ज्यादा पाया जाता है। रौद्र ध्यान भय उत्पन्न करता है और जिसके अंतरंग में क्रूरता तथा निर्दयता निहित हो वह रौद्र ध्यानी है। एक होता है तेज, जैसे तीर्थंकरों गंधर्वों आचार्यों तथा संतों का तपस तेज होता है। जैन जगत में पूज्य महाराज साहब जो होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनके मुखमंडल पर जैसे आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनका नाम ही सारा कलिमल दूर कर देता है, इनके पास एक अलौकिक तेज था। उनके मुखमंडल की तरफ हर व्यक्ति देख नहीं सकता था, लेकिन उनका तेज व ओज, उनका प्रभाव डराने के लिए, भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि निर्भय करने के लिए था। हर किसी को निर्भय करके उनमें एक शक्ति भरने का वह कार्य करता था। हम तीर्थंकरों के संबंध में पढ़ते हैं कि तीर्थंकरों के समोसरण में जहाँ मनुष्य आकर बैठते थे वहाँ देवता भी आ जाते थे, अच्छे लोग भी आते थे और बुरे लोग भी वहाँ हुआ करते थे, वहाँ पशु पक्षी भी रहते थे, उनकी वाणी उन्हीं की भाषा के रूप में परिणत होकर उन्हें सुनाई देती थी। सब अपनी अपनी भाषा में प्रभु महावीर के उपदेशों को ग्रहण कर लेते थे, वे निर्भय होकर बैठते थे। यदि उधर शेर बैठा है तो उधर बकरी भी बैठी है, उधर हाथी है इधर शेर है, शेर और हाथी की जंगल में लड़ाई हो जाती है लेकिन तीर्थंकर भगवान के चरण सरोजों में शेर और हाथी की लड़ाई नहीं होती। बकरी के प्रति भी उसके मन में कोई बैर
भाव नहीं जागता था। यह धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तथा आत्म ध्यान का प्रभाव है। लेकिन जहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का इतना बड़ा प्रभाव होता है, वहाँ आर्त और रुद्र ध्यान का भी प्रभाव होता है। लेकिन वो प्रभाव भय तथा अशांति पैदा करता है, जीवन में विकृतियां लाता है, मन को विभाव में ले जाता है। लेकिन धर्म ध्यान आत्मा को अपने स्वभाव में स्थित करता है और वहाँ उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्रोधी व्यक्ति से आपको डर लगने लगता है। एक लड़का जो पिता व माँ की गोद में खेला हुआ होता है, उस समय कितनी खुशी और उल्लास का वातावरण होता है। लेकिन जब किसी घटना से उसके साथ क्रोध व विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, आपको पता है कि वही बच्चा अपने पिता से भय खाने लगता है, डरने लगता है। और कभी कभी माता पिता ही बच्चों से डरने लगते हैं। अगर कोई ऐसी स्त्री हो जो बात बात में आग बबूला हो जाए और निरंतर क्रोध में रहे, बात करते, खाना खाते, खाना खिलाते, हरदम क्रोध में ही भरी रहे, तो वह सारे घर के उल्लास को समाप्त कर देती है। साधु गृहस्थों के घरों में गोचरी के लिए जाते हैं, वहाँ घरों के वातावरण को देख कर भी साधु बहुत कुछ सीख जाते हैं। घर में परिस्थितियां कैसी है, वातावरण कैसा है, गलियों बाजारों को ज्ञानमय दृष्टि से देखकर साधु बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकरों के चरणों में पशु पक्षी आकर बैठते हैं और वे वैर भाव को छोड़ देते हैं। वास्तविकता यह है कि तीर्थंकरों के तेज के प्रभाव से उनका वैर भाव नष्ट हो जाता है। तेजस्विता एवं ओजस्विता तीर्थंकरों में भी है, लेकिन वह दूसरों को शांति देने के लिए होती है। जो कषायों और विकारों से पैदा होने वाला प्रभाव है, उसे तेज नहीं कहते। आर्त ध्यान व रुद्र ध्यान से उत्पन्न होने वाला तेज कुत्सित होता है। भावों की यह कुत्सित छाया व्यक्ति के चित्त पर छाकर उसे कंपित, पीड़ित और दुखित कर देती है। बात यह है कि मनुष्य के पास शक्ति एक ही है, वह शक्ति भोग मार्ग में लग जाए या आत्म साधना में। भोग मार्ग में भी वह शक्ति सुख देती है, किंतु वह अस्थाई सुख है। ब्रह्मचारी उसी शक्ति का ऊर्ध्वगमन करके उसे परमात्मा के ध्यान में लगा देता है। वहां से उसे जो आनंद मिलता है, वह दिव्य आनंद है। आनंद ध्यान से ही मिलता है। वही शक्ति परमात्मा के ध्यान में जाकर प्रकाश रूप बन जाती है, आनंद बन जाती है। और वही शक्ति भोग मार्ग में जाकर सुख भी देती है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। उस सुख में से अंत में प्राय दुख ही पैदा होता है। लेकिन ध्यान में जो शक्ति लगती है, उससे ऐसा सुख व आनंद प्राप्त होता है जिससे कभी दुख पैदा नहीं हो सकता। मन अगर आत्मा की तरफ जाता है और वहाँ ध्यान लगाता है, तो वहाँ आनंद है। और यदि मन बाह्य जगत की तरफ लगता है, तो वहाँ आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान उत्पन्न होते हैं, जो आसपास के वातावरण को विषमय बना देते हैं। अग्नि में से ज्वाला और ज्योति दोनों निकलती है। दीपक में बत्ती, तेल और दिया सलाई, तीनों चीजों का संयोग किया जाए, तभी ज्योति निकलती है। रुई रखकर, तेल डालकर, दिया सलाई लगा जाए, तो क्या वह ज्योति नहीं बनती, वह ज्वाला बन जाती है। रुई जलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। वह यदि दीप शिखा बनकर निरंतर जलती रहे, अंधकार को मिटाते रहे और प्रकाश देती रहे, आलोक बिखरते रहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि दिया सलाई, तेल और बाती का सम्यक संयोजन किया जाए। तीनों चीजें हैं, लेकिन तीनों चीजों का मेल जब विवेक पूर्वक नहीं किया जाता, रुई रखी, तेल डाला और दिया सलाई लगा दी, तो ऐसे तो वहाँ एक ज्वाला ही निकलेगी, जो कुछ क्षणों में ही सारी चीजों को नष्ट करके वह खत्म हो जाएगी। मानव की यह शक्ति जब बाहर की ओर जाती है, तो वह विषयों की ज्वाला बन जाती है। लेकिन वही शक्ति मन, वाणी और शरीर के द्वारा जब ब्रह्म में प्रतिष्ठित होती है, तो वह आनंद बन जाती है। और वही आनंद का ध्यान का लक्ष्य होता है। उस आनंद को पाने के लिए व्यक्ति आत्म ध्यान लगाता है। तीर्थंकर उसी ध्यान से शाश्वत वैर वालों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं और उन्हें प्रेम में बदल देते हैं। साधारण लोगों के पास प्रायः तेज और प्रभाव नहीं, आतंक और भय ही अधिक होते हैं। रुद्र ध्यान के चार भेद है। शास्त्रों में रुद्र ध्यान के चार भेद कहे हैं, जैसे कि हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेनानुबंधी और स्वेच्छानुबंधी। रुद्र ध्यान झूठ, चोरी व सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति से पैदा होता है। हिंसा, झूठ व चोरी से जो चीजें किसी ने इकट्ठा की है, उन्हें संभालने के लिए वह अपने जीवन को भी लगा देता है। वह सदा उन्हीं को संभालने में लगा रहता है। हर समय उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, उसको उन्हीं चीजों का ख्याल बना रहता है कि कोई मेरी चीज उठाकर न ले जाए। इनका संग्रह कैसे हो सकता है, उनकी देखभाल में कैसे कर सकता हूँ। उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप हिंसा के साधन भी इकट्ठे करते रहते हैं, हिंसा की योजनाएं बनाते रहते हैं। फिर उन चीजों के लिए आखिर झूठ सच भी बोलना पड़ता है, और झूठ सच बोलकर धोखा देकर दूसरों की आंखों में धूल डालकर और हेरा फेरी करके मनुष्य उन सब चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। वह शरीर से चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसका जो सूक्ष्म चित्त है, वो वहीं पर काम करता रहता है। आप दुकान से घर चले जाते हैं, दुकान बंद हो जाती है, लेकिन दुकान आपके दिल दिमाग से निकलती नहीं। यही कारण है कि आप अगले दिन फिर दुकान पर आ जाते हैं। अगर मकान में रहने वाली स्त्री, बच्चों तथा माँ बाप से आपको अनुराग है,
तो आप देखें कि दुकान में बैठने पर भी आपका मन घर में ही रहेगा। अभी आप अगर प्रवचन में बैठे, स्थानक में बैठे, तो आपका चित्त काम धंधे में है। आप शरीर से भले स्थानक में बैठे हो, मन से आप कहीं और बैठे हैं। आप दुनिया में वही होते हैं जहां आपका मन होता है, जहां सूक्ष्म तत्व है, शरीर वहीं पर काम करता है, उसी के अनुसार कर्म का बंधन होता है। रुद्र ध्यान के विवेचन में हिंसा की बात इसलिए छेड़ी है कि रुद्र ध्यान का मूल हिंसा है। अगर आपके चित्त में हिंसा है तो आपके चित्त में किसी न किसी रूप में रुद्र ध्यान बना हुआ है या बन सकता है। यदि आप यह सोचे कि यह रुद्र ध्यान नहीं है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो किसी का रक्त नहीं बहाते, लेकिन आप मन से दूसरों के प्रति नाना प्रकार की दुर्भावना तो करते हैं, आप जबान से कटु बोलकर क्लेश तो करते हैं, क्लेशात्मक वातावरण तो बनाते हैं, जिससे आपके पास रहने वाले के हृदय में घुटन हो जाती है और वो घुटन में रहकर ही एक दिन मर जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आप मारते तो नहीं, डंडे का प्रहार भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन आप वातावरण ऐसा बना देते हैं कि दूसरे लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। घुटन में जीते जीते कभी वह अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है। क्या यह हिंसा नहीं है? वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यदि आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तथा क्लेशात्मक वातावरण का सृजन करते हैं, जिस वातावरण में व्यक्ति का दम घुटने लगता है, आपने बाहर से तो कुछ नहीं किया लेकिन आपका व्यवहार ऐसा है कि जिससे व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। जैसे घर में विधवा जो भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाली बहन है, जो अपने जीवन को श्रृंगार के लिए समर्पित करती है, सुबह से शाम तक शीशा जिनके हाथ में रहता है, श्रृंगार और भोग ही जिनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, भोग और विलास में ही जिनके जीवन का हर क्षण व्यतीत होता है, ऐसी बहनें तो घर की देवियां बन जाती है। और वह नारी जिसका पति से वियोग हो गया है, बड़े संयम से रहती है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करती है, शांति से अपना जीवन गुजार रही है, क्या आपको पता है उस घर में उस बहन के साथ कैसा व्यवहार होता है? सारा घर ही उसे नफरत की निगाह से देखता रहता है। जो अपने ब्रह्मचर्य का, शील व सत्य का पालन करती है और श्रृंगार से बहुत दूर है, जो सादा जीवन व्यतीत करती है, धर्म ध्यान में ही जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण बीतता है, जो परिश्रमों को सहन करके जीवन गुजार रही है, आप यदि घर में उस नारी को दुखी करते हैं और उसे घृणा की नजर से देखते हैं, उसको अनाप शनाप बातें सुनाते हैं और के मन के दर्पण को हमेशा तोड़ते रहते हैं, तो यह सबसे बड़ी हिंसा है। आप कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो धर्म ध्यान करते हैं, किंतु आप सामायिक तो करते हैं दो घड़ी की और गलत व्यवहार करते हैं 12 घंटे का। आपने उसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आपके व्यवहार से ही वह घुटन में रहती है। भगवान कहते हैं कि यह मानसिक हिंसा है। आप उसके मन को तो सता रहे हैं, गलत राह पर जाने के लिए आप उसे प्रेरित कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जिंदगी गुजारने के लिए और सतीत्व को निभाने के लिए आप उसके अनुकूल वातावरण बनाएं, घर में उसे देवी का रूप समझे। घर में यदि आप उसकी देवी की तरह पूजा करें, तो आप अपने इस व्यवहार से घर भी बचा सकते हैं और उस देवी के जीवन को भी ऊंचा उठा सकते हैं, उसके जीवन का निर्माण कर सकते हैं, उसके चरणों का स्पर्श करके उससे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने कहा, दुनिया में हर काम करना आसान है, लेकिन संयम का पालन करना सबसे कठिन काम है। वह बहन भी घर की रानी नहीं बल्कि एक बेटी बन के रहे, घर की बेटी व देवी बनने में ही उसका महत्व है। आप लोग कह सकते हैं कि हमने तो उसे कुछ नहीं कहा, हमने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसका मन आपके व्यवहार से दुखित हो जाता है, उसकी सुख सुविधाओं के सारे द्वार आप बंद करके बैठ जाते हैं, तब उसके जीवन में घुटन होगी ही। यह एक सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी हिंसा है। यह तो एक उदाहरण है, अहिंसा सिद्धांत जगत का सर्वोत्तम सिद्धांत है। तो तीर्थंकर भगवान का जहाँ समोषण होता है, उनके चरणों में जब बैठ जाते हैं, तो ऐसा उनका तेज पुंज रहता है कि किसी भी प्राणी में आपस में वैर भाव नहीं रहता। पशु जल्दी संस्कार को ग्रहण करता है, लेकिन मनुष्य उतनी जल्दी संस्कार को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य के विकार पशु से भी ज्यादा प्रबल होते हैं। यही कारण है कि इसे आत्म ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। यदि मानव के मन में हिंसा का या किसी और प्रकार का कोई विचार बना हुआ है, तो वह क्रियान्वित होता भी है और नहीं भी। उसका मानसिक विचार रुद्र ध्यान उत्पन्न कर सकता है। झूठ और चोरी इस हिंसा को उत्पन्न करते हैं। जहाँ झूठ है वहाँ हिंसा रहती ही है, जहाँ चोरी है वहाँ झूठ प्राय रहता ही है। जो चीज आपकी नहीं है किंतु आप उसे चाहते हैं, गली बाजार में आते जाते आप ऐसे ही इधर उधर दृष्टियां डालते जाते हैं, यह भी चोरी है। मातृशक्ति को जब माता की दृष्टि से देखते हैं, तो आपका यह धर्म ध्यान है। यदि मातृशक्ति के रूप में या बहन और बेटी के रूप में आपने उसे नहीं देखा और किसी और अन्य रूप में देखा, तो आपकी आंख द्वारा की गई यह चोरी ही है, यही तस्कर दृष्टि है। आपने कभी महसूस नहीं किया कि आप इतने निर्बल व कमजोर क्यों हो जाते हैं? अगर आप इस चीज को महसूस कर ले और नीची निगाह कर
करके अपने मार्ग पर चलते रहे, अपने स्वरूप में आप स्थित रहे, तो उस समय आप अपने मन के बादशाह कहे जा सकते हैं। आप में कितनी शक्ति है आपको पता ही नहीं। व्यक्ति के चारित्र में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन मनुष्य जरा सी बात के प्रलोभन में आ जाता है, हिंसा भी करता है। यही संस्कार आगे बढ़ते बढ़ते अधिक आगे बढ़ जाए तो आसक्ति बढ़ जाती है। पहले दर्शन, फिर परिचय, परिचय से स्नेह, स्नेह के बाद फिर मोह, मोह और आसक्ति के बढ़ने के बाद फिर उसकी उपलब्धि। इसका मतलब यह है कि वही संस्कार जब संयोग में ले जाए तो वह आपको जीवन की अंधेरी गलियों में भटका देता है। जिंदगी की गली में भटकने के बाद यदि आप एक मामूली संस्कार को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उसको आपने पनपने दिया है, जैसे कि एक चिंगारी सारे घर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार एक विकार की चिंगारी यदि आपके मन में आ गई है और आपने उस चिंगारी को बुझाया नहीं, तो वह चिंगारी जीवन को जला देने वाली आग बन जाती है, जीवन का वह रोग ही बन जाती है। एक विकार आपके मन में कभी आया और आपने उसे संवर्धन दिया, धीरे धीरे वह समूचे जीवन को आवृत कर लेता है और चोरी करने की आदत किसी दिन हिंसा में बदल ही जाएगी। इस वृत्ति के कारण बड़े बड़े हिंसा कांड हो जाते हैं। इसी आसक्ति, चोरी, झूठ जैसे विकारों से बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं, जिससे भयंकर नरसंहार हो जाता है। वे लोग धर्म ध्यान करने वाले नहीं होते। चंदना एक राजकन्या थी, एक सेठ ने उसे धर्मपुत्री बना लिया था। एक संस्कार कहाँ तक पहुंच जाता है आज यही समझना है। मुला ने समझा कि यह मेरी वाटिका में आग की चिंगारी है। चंदना का घर में आना उसे इष्ट व प्रिय नहीं था। क्यों? इस विषय में उसकी विकृत दृष्टि थी। जिस दृष्टि से उसे शेर देखता था, उस दृष्टि से मुला उसे नहीं देखती थी। उसे चंदना के आगमन को अपने जीवन के लिए अनिष्ट समझा। उसने विचार किया कि इस अनिष्ट संयोग को किसी न किसी तरह दूर किया जाना चाहिए। अनिष्ट संयोग को दूर करने के लिए व्यक्ति दुर्भावना, क्लेश और कभी कभी हिंसा भी करता है। यदि कभी इष्ट संयोग भी हो जाता है, लेकिन दूसरी जगह से वह टूट कर आपसे जुड़ा है, आपके साथ जो संबंध बना है वह तीसरे व्यक्ति को प्रिय नहीं है, जरूरी बात है कि उस व्यक्ति को फिर आपसे विरोध हो ही जाएगा। जो इष्ट संयोग भी कभी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई अन्य संबंध जोड़ लेता है, अगर इष्ट संयोग हो गया है तो वह भी रुद्र ध्यान का कारण ही है। यदि अनिष्ट संयोग है तो वह भी आर्त ध्यान का कारण ही है। कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आप यह काम करो, उस देवी की मनोती करो या उस देवता को मनाओ। कुछ अज्ञानी लोग पशु बलि आदि की भी प्रेरणा देते हैं और यह भी कहते हैं कि अमुक देवी देवता की मनोती मानने से आपकी हार्दिक कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। इस प्रकार कुछ लोग भौतिक सुखों के लिए ऐसी मनोतियां मानते हैं। यह मनोती भोगों की ही आकांक्षा है, भोग की ही आसक्ति है। व्यक्ति मर जाने के बाद भी स्वर्ग के सुख लेना चाहता है और कोई व्यक्ति भोले भाले अन्य व्यक्तियों को कह देता है कि आपके इस प्रकार बलि आदि देने से देवता प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर आपके अभिष्ट को पूरा कर देगा, स्वर्ग दे देगा, तो वह कार्य लेता है। भगवान महावीर ने ऐसे असत्य चिंतन पर कुठाराघात करते हुए कहा कि आप स्वर्ग के लिए लालायित होकर हिंसा करते हैं तो आप उस समय रुद्रध्यानी बन जाते हैं और रुद्रध्यानी बनकर मरकर वह सीधा नरक में जाता है। रुद्रध्यानी के लिए धरती पर भी नरक ही होता है। अगर हिंसा करने वाले लोग और पंचेंद्रिय जीव का वध करने वाले लोग और पशुओं की गर्दनों पर छुरियां चलाने वाले लोग भी यदि स्वर्ग में जाते हैं तो पूछना पड़ेगा कि फिर नरक में कौन जाते हैं? क्या नरक की अग्नि उन लोगों के लिए है जो पंचेंद्रिय जीव का वध नहीं करते हैं? तो आर्त ध्यान से रुद्र ध्यान पैदा हो जाता है। वह चंदना भोली भाली कन्या थी, उसके दिन में पाप नहीं था। मुला ने उसे दुष्ट दृष्टि से देखा। चंदना का और अपना संयोग सेठ के लिए इष्ट था, लेकिन मुला के लिए अनिष्ट था। बस आर्त ध्यान से रुद्र ध्यान पैदा हो गया। उसके बालों को काट देना, उसे भोरे में डाल देना, उसके हाथों में हथकड़ियां डालना, भूखे प्यासे रखना, बाहर से ताला लगा देना, क्या यह सब कर्म रुद्र ध्यानी के नहीं है? यदि वो बच गई थी तो केवल अपने पुण्यों से बच गई थी। मुला ने शायद उस पर हाथ न उठाया हो, प्रहार भी शायद उस पर न किया हो, किंतु मुला ने वातावरण ऐसा बना दिया कि ऐसा करने से उसके प्राण भी जा सकते थे, लेकिन यह उसका आयुष्य कर्म तथा आत्मबल ही था जो उसकी रक्षा कर रहा था। फिर वह धर्म ध्यान में रत थी, फिर क्या यह मुला द्वारा की गई हिंसा नहीं है? वस्तुतः यही रुद्र ध्यान है। आर्त ध्यान ने ही मुला को रुद्र ध्यानी बना दिया और ऐसा घृणित कुकृत्य करने के लिए उसे विवश कर दिया। वह भोरे में पड़ी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन में आर्त ध्यान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन चंदना के जीवन में कितना अप्रिय घटित हो गया। सिर पर सुंदर बाल नहीं रहे, बाल शरीर का बहुत बड़ा श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार से चंदना को वंचित कर दिया गया। भोरे में वह पड़ी है, खाने के लिए उसके पास कोई पदार्थ नहीं, केवल उड़द के बांकुले प्राप्त हुए। जिस राजकन्या ने स्वादिष्ट भोजन ही खाए हो, उसको बांकुले खाने को मिले, भला उसे भी कैसे रुचिकर हो सकते है? कुछ भी न होने पर भी उसके पास एक ध्यान जरूर था, महावीर के चरणों का।
ध्यान की शक्ति से ही वह उस उपसर्ग पर विजय प्राप्त कर सकी। यदि भगवान के चरणों का ध्यान उसके पास न होता तथा उसे धर्म के प्रति निष्ठा व विश्वास न होता तो इतने बड़े उपसर्ग में वह डावाडोल अवश्य हो जाती। यदि वह विचलित हो जाती तो वीर प्रभु भगवान महावीर जैसे महापुरुषों की कृपा पात्र बनने की शक्ति उसके पास कभी नहीं रहती। इतनी बड़ी शक्ति जिससे चंदना ने भगवान को भी अपनी ओर खींच लिया, वह ताकत कौन सी थी? और कोई शक्ति नहीं थी, वह केवल एक ध्यान की ही शक्ति थी। प्रभु के चरणों में ध्यान को लीन कर दिया उसने, वह अपना सारा दुख भूल गई थी। यह रौद्र ध्यान आर्त ध्यान से भी आगे बढ़कर जीवन को रौद्रता से घेर लेता है और व्यक्ति को हिंसा, झूठ, चोरी आदि करने के लिए बाध्य कर देता है। धर्म ध्यान करने वालों को इन दो ध्यानों से दूर रखना चाहिए। रौद्र ध्यान के चार लक्षण है, जैसे कि ओसन्न दोषे, बहुल दोषे, अनान दोषे, आमरणांत दोषे। साधु व श्रावक बन जाने पर भी जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी की वृत्तियां बनी हुई है तो कहीं ना कहीं जीवन में दोष व्यक्ति लगा ही लेता है। कलई करने से पहले दीवारों के धब्बे साफ करने पड़ते हैं। कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए कपड़े के सब धब्बे धोने पड़ते हैं। खेत में बीज बोने से पहले किसान सारे कंकर पत्थर उसमें से चुनता है, तब जाकर बीज बोता है। रंग रोगन करने से पहले रेगमार से चीज को साफ करना पड़ता है। काले कपड़े के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। गंदगी पर यदि फूल डाल दिया जाए तो वह भी दुर्गंधमय ही बन जाता है। बहुत ऊंचा भवन खड़ा करना है तो नींव गहरी होनी ही चाहिए। धर्म ध्यान की नींव बनाने के लिए मन में से इन दो ध्यानों को निकालना ही होगा। इसके हृदय में न होने पर ही धर्म ध्यान की भूमिका तैयार हो सकती है और व्यक्ति धर्म ध्यान के बल पर आत्म शांति प्राप्त करने में सफल हो सकता है। जय आनंद।